क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो करता है वो भी उससे जलता है, और ये जिस पर बहती है वो भी इससे जलता है। जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता है वो इस अग्नि को अपने अंदर चलने दे रहा है। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि कोई आपको अगर मारने की कोशिश कर रहा है, वो पहले से ही उतना क्रोधित है, उस स्थिति में जा चुका है जहाँ पर वो खुद ही जल रहा है। तो एक शांत और धैर्यशील इंसान की जिम्मेदारी ये है कि उस सामने वाले को वो धैर्य से बैठाए और पूछे, क्यों क्रोधित हो रहे हो? तभी हम दूसरा गाल आगे करते हैं कि पहले वो अपने मन से वो सारे कटु विचार निकाल दे और हम उसमें और खुद में अहिंसा और शांति का भाव ले आए। यही है वो सीख, और इसको पाने के लिए जितना हम ध्यान करते हैं उतना ही बेहतर होते जाते हैं। जितना आप ध्यान करेंगे उतने ही आप सहनशील और धैर्यवान होते जाएंगे। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें, सांस को रोकें और अब सांस को मुंह से छोड़ते हुए आंखों को बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और पूरी तरह से इस पल में खो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस भरें, सांस रोकिए और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपनी कमर को ढीला छोड़ते जाइए। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, इसे रोकिए और पूरे शरीर में इसे अब फैलने दीजिए। और मुंह से सांस छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़ दें, जबड़े को, सर को। अब आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत इस पल में आ चुका है। ध्यान अपनी सांस पर ले जाइए, किस तरह सांस अंदर और बाहर जा रही है इसको देखिए। सांस में कितनी गहराई है उसे देखिए। पूरी तरह से अपने मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और देखिए कि किस तरह शरीर स्थिर हो चुका है, शांत हो चुका है। इस पल में एकाग्रता के साथ बिल्कुल थम चुका है। अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दीजिए और देखिए कि धीरे धीरे ये धड़कन और मंदी होती जा रही है, शांत होती जा रही है। और अब अपने अंदर एक सफेद ऊर्जा को आते हुए देखिए, जो आपके सर के ऊपर से गुजरते हुए आपके आज्ञा चक्र, आपकी तीसरी आँख पे, आपके गले में, आपके हृदय में, पेट में, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुँचे जा रही है। ये सफ़ेद प्रकाश किसी भी तरह की रुकी हुई ऊर्जा को साफ करते जा रही है और आपके शरीर को और खुला और शांत बनाती जा रही है, जिससे कि आप अपने वातावरण से सबसे अच्छी ऊर्जा हर वक्त समाते जाएं और अपने आप को और बेहतर बनाते जाएं। ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं और देखें कि हर सांस के साथ आप अपने शरीर के अंदर जमा किसी भी तरह के कटु विचार को बिल्कुल ढीला छोड़ सकते हैं, उन सब पर प्रकाश डाल सकते हैं। एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी रोशनी जो इनके अंदर से किसी भी तरह के कड़वेपन को हमेशा के लिए निकाल कर दूर कर सकती है। जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएं, उन सारे कटु विचारों को बाहर जाने दें। याद रखें, जब भी हम कोई भी बुरे विचार अपने अंदर
किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी रखते हैं तो वो एक जलते कोयले की तरह है, जिसे भले ही हमने तो पकड़ा है मगर दूसरे पे फेंकने से पहले हम खुद ही जल जाते हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए हर सांस के साथ उन विचारों को भी मुक्त होने दें, दूर जाने दें हर उस ख्याल को जिसको आपने अपने जीवन में, अपने दिल में घर करने के बाद अपने जीवन को और भारी और नकारात्मक बना दिया है। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, और उसके लिए जितनी जल्दी हम अपने अतीत को छोड़ते जाएंगे, दूसरों के कहे हुए वचनों को भूलते जाएंगे, उतनी ही जल्दी हम एक अच्छी राह पर, एक खुशहाल जिंदगी की राह पर चलने लगेंगे। एक और लंबी गहरी सांस पूरे शरीर में भरिए और अगली सांस मुंह से छोड़ते हुए सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकलने दीजिए, शरीर से दूर जाने दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस देखिए कि किस तरह से वो आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को अंदर से प्रकाशित कर रही है और आप में इस तरह का धैर्य पैदा कर रही है कि आपकी ऑरा में कोई भी आएगा तो वो खुद ही शांत और प्रेम भाव से आपसे बात करेगा। इस भावना को अपने हर भाग में जाने दीजिए और दोहराइए, मैं असीम हूँ, मैं प्रेम का वो रूप हूँ जो जहाँ भी चले वहीं पर शांति और प्रेरणा भर देता है। मैं हर वक्त खुशमिजाज रहने का निश्चय करता हूँ, मैं शांत हूँ और मैं प्रेम का असीम रूप हूँ। कुछ पल इसे अपने अंदर महसूस करें और देखें कि एक खूबसूरत प्रकाश आपके चारों ओर फैले जा रहा है और आपके आभा मंडल में आज जो भी आएगा वो आपके लिए और सम्मान और प्रेम प्रस्तुत करेगा। लंबी गहरी सांस भरते हुए इस भाव को अपने अंदर पूरी तरह समा लें और अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान वापस लाएंगे। आज किए गए इस ध्यान का पूरा फायदा हमें पूरे दिन मिलता रहेगा और हम इसी तरीके से आज का दिन व्यतीत करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों में, पैरों में वापस ले आए, चेहरे पर एक मंद मुस्कान रखें और अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आँखों पे रख लें और अब धीरे से आंखें खोले। स्वागत है आपका।